मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर डिवाइन पब्लिक स्कूल। क्लास है आपकी है एलकेजी। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। सब्जेक्ट कौन सा है आपका? इंग्लिश। वावेल्स पढ़ रहे थे। वावेल्स कितने होते हैं? फाइव, आपको पता चल गया। रिपीट कर रही हूँ बार बार, ए ई आई ओ यू, फाइव वावेल्स होते हैं। इससे पहले आपने पढ़ लिया ए साउंड वर्ड और ई साउंड वर्ड। कौन सा साउंड पढ़ा है? ए और ई साउंड वर्ड। आज अपन क्या पढ़ेंगे? आई साउंड वर्ड। आज अपन क्या पढ़ेंगे? आई साउंड वर्ड, ए ई आई। तो आज अपन आई साउंड वर्ड पढ़ेंगे और ध्यान से बोलेंगे और बोर्ड की तरफ देखेंगे भी और मेड की बात को समझेंगे, क्योंकि आई साउंड ए और ई साउंड वर्ड तो आपने दो बार तीन बार पढ़ लिया। आज स्टार्टिंग आई साउंड वर्ड की है, तो बोलना तो आना चाहिए सारे बच्चों को। कम से कम अगर 10 नहीं तो 5 तो बोलना आज सीखो, फिर रिपीट करूंगी जब 10 भी बोलना आ जाएगा। ओके, स्टार्ट स्पीक करो सारे बच्चे। फिर मेम के साथ ही बोलना है, और मेम के साथ ही बोर्ड की तरफ ध्यान से देखना। बीच में देखो क्या रहा, आई सो आई लिखा इधर, ए ई आई, बीच में आई है तो इधर भी आई है, समझे? देख लो एक बार ध्यान से, फिर बोलेंगे। आई लिखा है ना, सब जगह आई लिखा है ना। आप बोले, स्पीक करें, लाउडली बोलना है। जब तक आप लाउडली बोलोगे नहीं आपको ये लड़नी होगी। मेम के साथ बोलना है और बोर्ड की तरफ ध्यान से देखना भी है, बोलना भी है और देखना भी है बच्चों को। ओके, छोटे बच्चे हो ना इसलिए देख के ही बोलना है आपको। बी आई एन बिन, बी आई एन बिन, पी आई एन पिन, पी आई एन पिन, टी आई एन टिन, पी आई जी पिग, पी आई जी पिग, एफ आई जी फिग, एफ आई जी फिग, डब्ल्यू आई जी बिग, डब्ल्यू आई जी बिग, एल आई पी लिप, एल आई पी लिप, जेड आई पी जिप, जेड आई पी जिप, एच आई टी हिट, एच आई टी हिट, एस आई टी सिट, एस आई टी सिट, एफ आई टी फिट, एफ आई टी फिट, के आई डी किड, के आई डी किड, एल आई डी लिड, बी आई बी बिब, बी आई बी पिप, आर आई एन जी रिंग, आर आई एन जी रिंग, एस आई एन जी सिंग, एस आई एन जी सिंग, आर आई एन जी रिंग और एस आई एन जी सिंग। बोल लिया ना, बहुत अच्छे से बोले सारे बच्चे और ध्यान से देखा भी, मेम की बात को समझा और ध्यान से देखा भी। अब फिर से रिपीट करें अगेन, बी आई एन बिन, पी आई एन पिन, टी आई एन टिन, पी आई जी पी, एफ आई जी फिट, डब्ल्यू आई जी बिग, एल आई पी लिप, जेड आई पी जिप, एच आई टी हिट, एस आई टी सिट, एफ आई टी फिट, के आई डी किड, एल आई डी लिड, बी आई बी बिब, आर आई एन जी रिंग, एस आई एन जी सिंग, एस आई एन जी सिंग। रिपीट करें अगेन, क्योंकि आई साउंड वर्ड देर में लर्न होते हैं, है ना बच्चों? ध्यान से देखो, आई सब में आई आ रहा है ना बीच में। फिर से रिपीट अगेन अगेन, बी आई एन बिन, पी आई एन पिन, टी आई एन टिन, पी आई जी पी, एफ आई जी फिट, डब्ल्यू आई जी बिन, एल आई पी लिप, जेड आई पी जिप, एच आई टी हिट, एस आई टी सिट, एफ आई टी फिट, के आई डी किट, L I D lid, B I B beep, R I N G ring, S I N G sing, S I N G sing। सबको ये बोलना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। पहले तो आप फाइव लिखोगे, फिर आप फाइव, फिर आप लिखना तो सबको आना चाहिए और बोलना, बोलना भी आना चाहिए और लिखना भी। लर्न एंड राइट, लर्न भी होना चाहिए और राइट भी होना चाहिए। सारे बच्चे जब ये सीख लोगे ना तो इंग्लिश पढ़ना भी आ जाएगा और बोलना भी ढंग से आ जाएगा। आज के लिए बस आई साउंड वर्ड और ए ई आई साउंड वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं आपके।
ओके okay?